वेलकम बैक टू माय चैनल जय जगन्नाथ। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग तो अभी उड़ीसा तो पहुँच के आप लास्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं। मैं अभी नहा धो के सब तैयार हो चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ कपड़ा सुखाने के लिए। और सात्विक और उसके पापा दोनों ही सोए हुए हैं और मैं दिखाती हूँ, देख लीजिए आप। देख लीजिए दोनों ही सोए हुए हैं, तो अभी नहीं जगा रही हूँ। और ससुर जी चाय और उनका बिस्किट वगैरह वो हो गया है। मैं अभी कपड़ा सुखा के कुछ नाश्ता बना के, और सात्विक का भी है 9:30 से उसका ऑनलाइन क्लासेस तो होगा, तो उसको भी मैं जगा के तैयार कर लूँगी। तो उसके बाद आपसे बात करती हूँ। सो लेट्स गो। यहाँ पे भी छोटे छोटे गमले रखे हैं, उसमें भी प्लांट्स है। ये मिर्ची का है, ये भी मिर्ची, देन गुलाब का। ये वाला मैं लास्ट ईयर मैं देख के गई थी ना, तब से देखिए वो अच्छे से भी खिला के हुए। ये भी मिर्ची का ही है। वो मेरे ससुर जी तो ज़्यादातर जहीं पे जाते हैं मिर्ची ही लगाते हैं, एलोवेरा, गेंदे का फूल, मिर्ची मिर्ची हर जगह पे आपको, और बहुत सारे वैरायटी भी मिल जाएगा मिर्ची का। ये नींबू का है। हमारे में क्वार्टर्स जब वो मेरे हस्बैंड जो सॉरी हम लोगों का जब हम सर्विस था मेरे ससुर जी का, तो वो हम लोगों को क्वार्टर्स में रहते थे इस तरह का ही। वो ना पूरा कितने सारे ऐसे नींबू, तो बहुत बड़ा हो गया था ये इस तरह का ही, मतलब ये में डाले थे कंटेनर में, और बहुत ही बड़ा हो गया था। यहाँ पे देखते हैं, और ये उड़द दाल की बड़ी है। उड़द दाल से पीस के बनाते हैं। आज मेरी ये आएंगे सासू माँ, और एक है साइड में रहते हैं हमारे पी सासू माँ बोलते हैं, वो आएंगे, वो पकाएंगे। मेरी सासू माँ पकाते हैं और वो भी पकाते हैं। ये राई से वो डाले हैं ऐसे उड़द दाल, उसमें शायद राई वो मिक्स किए हैं। मैं कल पूछ रही थी तो बता रहे थे ये सब वो करेंगे, तो मैं आपको भी दिखा दूँगी कैसे वो बनाते हैं। हो गया, मैं अभी कपड़ा सुखा लेती हूँ, चलते हैं कपड़ा सुखा के आपके साथ बात करती हूँ। और भी लेट हो रहा है, एक्चुअली सात्विक का 9:30 में ऑनलाइन क्लास है, तो मैं फटाफट काम निपटा के आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड्स अभी देख लीजिए सारे कपड़ा मैं सुखा चुकी हूँ, अभी मैं चल रही हूँ नीचे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके सात्विक को उठा के फिर उसका ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देती हूँ। उसके बाद आज के दिन में क्या क्या, आज के दिन में जो जो बनाऊँगी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। ठीक है, स्टे विद मी। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं लिंगराज मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर है, हमारा बहुत पुरातन मंदिर है। उधर हमारा मेला भी लगा है, मैं दिखाती हूँ वहाँ पे क्या क्या होता है। चलो लेट्स गो। अभी फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के पास, अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके मैं दिखाती हूँ। बुला बुला के जाना नहीं। गाइस मंदिर के अंदर वो मोबाइल अलाउ नहीं था, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ।
लोगों के अलाव नहीं है, तो हम लोग तो दर्शन करके अभी आ गए। ये एक बाहर है, एक ऐसे छोटा सा मंदिर है और उसके फ्रंट में आपको ऐसे गार्डन मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे सारे सब फोटोशूट कर रहे हैं क्योंकि लोकेशन ऐसे ही है, पेड़ पौधा है तो सब कुछ फोटोशूट कर रहे हैं और सब यहाँ पे दर्शन करके आके यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। आपको दिखा देती हूँ, ये लाइट फ्रंट में एक है तो आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, देख लीजिए। अभी मैं आपको उस साइड में जाके दिखाती हूँ, एक्चुअली वो लोग फोटो खींच रहे हैं। एक सेकंड आप चलो सी आगे गाड़ी बैठो, देख लीजिए मंदिर है। मंदिर किस आ अभी अंदर जाके हम लोगों में वो गार्डन भी दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा। जल्दी बैठो 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 गाड़ी बैठो। ये इस तरफ ही एंट्रेंस है और मंदिर बहुत दूर है, वो अलाउ नहीं है। मोबाइल आपको इतना ही दिखा देती हूँ। इसका सीढ़ी वो जो दिख रहे हैं आप दिख पा रहे होंगे, सीढ़ी सीढ़ी के आगे जाएंगे तो मंदिर आ जाएगा, आपको दिखाई देगा। तो हो गया, मैं और गार्डन वगैरह दिखाती हूँ, लेट्स गो। यहाँ पे एक ऐसे बलून वगैरह ऐसे बेच रहे हैं। हाँ वो बाप बाद में खरीदेंगे, उधर उधर आप लोग खरीद के आओ, मैं गार्डन घुमा लेती हूँ। आजा यहाँ पे बहुत बाहर से भी आए हैं घूमने के लिए, तीर्थ स्नान करने के लिए। हमारे यहाँ पे तो दीप ही दीप दान को बहुत ही एम्फेसिस देते हैं, दीप यहाँ पे बेच रहे हैं। यहाँ पे भी बेलपत्ता दीपदान, ऐसे मंदिर का फ्रंट व्यू। यहाँ पे एक छोटा सा फ्रंट में एक छोटा सा टूटा फूटा मंदिर है, माता रानी का मंदिर है। यहाँ पे भी दीपदान भी हो तो भी यहाँ पे बैठ रहे हैं। यहाँ पे गार्डन के लिए जाने के लिए एंट्रेंस है, यहाँ पे भी लोग बैठे हैं। मैं आपको अंदर साइड में दिखाती हूँ, इधर फोटो भी खींच सकते हैं। काम कौन बोलू वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, मैं यहीं से दिखा देती हूँ। एक रिवर वहाँ पे था वो तो देख लिया आप। अभी घर के लिए जा रहे हैं, नहीं मार्केट थोड़ा जाऊंगी, देखती हूँ अगर हो जाती हूँ तो आपको वीडियो में शेयर कर लूँगी। और अभी ये देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, वो सब बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हम लोगों को काम है थोड़ा, इसको तो मिल गया फैन, फैन हो रहा है। सत्पिका बुक्स ले रहे हैं, ये रामायण महाभारत अच्छी कि ना, कौन भगवत गीता भी अच्छी ना,
बुक हैबिट्स एटा कोना एक्टिविटी बुक गुड हैबिट्स। देखिए गाइस हम लोग कितने सारे यहाँ पे है। सात्विक ये क्रेयॉन्स है, सब कुछ लेना है क्या? नहीं भैया क्रेयॉन्स नहीं। ये मैप भी है वो बाद में लेंगे। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग आए हैं मार्केट बिल्डिंग। हो गया ना, इसको पकड़े, चलो चलो पापा के पास चलो। और ये लो गाइस, जब भी मार्केट बिल्डिंग आए हैं, लेकिन मैं प्रॉपर अंदर तो दिखा देती हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पे तो मैं नहीं लूँगी। यहाँ पे बहुत चीप में मिल जाता है डेली यूज का सामान, पर्स वगैरह, सैंडल्स। हम लोगों का यहाँ पे मार्केट बिल्डिंग बोल दें, भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग बोल देंगे, मतलब आप लोग को रीजनेबल रेट में, लेकिन बार्गेनिंग करना पड़ता है। और बहुत अच्छे अच्छे सामान भी मिल जाते हैं, हर टाइप का डेली यूज गारमेंट्स सब कुछ मिल जाएगा आपको पास। कॉस्मेटिक्स देखिए, बैंगल्स वगैरह। मैं लेकिन एक दूसरी जगह पे आई हूँ, कभी यहाँ पे देखती हूँ, अभी यहीं पे हैं तो मैं आऊँगी लेकिन ज़रूर। नहीं उधर चलो पापा के पास, यस उसके थैली में डालो बेटा। पापा देखो पकड़ो इसको, हाँ यहाँ पे आपको ये से शोरूम टाइप का भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पे बाहर में भी मिल जाएगा आपके बजट के हिसाब से। ये मार्केट आएंगे ना, आपको दोनों टाइप का मिल जाता है, और थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ता है। आप जितना रेट बोलते हैं उसका हर टाइम्स में आप बोलेंगे तो वो मिल जाता है। अगर वो 500 बोले तो आपको 250 तक मिल जाता है सामान, बोलो के लिए बहुत ही है। और आप लोग रिटर्न करके जाओगे तो उधर उधर चले, रियान को बोलो ना फोटो खींच दे। ओके वहाँ पे वो भैया आके देखिए स्टैचू करके खड़े हैं, वो अच्छा लगा। वो उनका मतलब ऐसे स्टैचू को हम कितने देर तक खड़े रह पाएगा। उधर चलेंगे उस साइड में, यहाँ पे भी आपको उत्कलिका में भी मिल जाएगा, मतलब मैं जहाँ में ये है उड़ीसा के हैंडलूम साड़ी का, ये है एक गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का, उत्कलिका में भी मिल जाएगा। मैं लेकिन और एक बयानी का मैं जाऊँगी, वो भी उड़ीसा की है, वो पापा के पास। चलो इधर देख लीजिए, ये होलसेल 150, ये प्लाजो एंड ये सब। ये पहले नहीं था, ये भी हो गया है। मैं मतलब जब तक मैं हम लोग मैं एक्चुअली हॉस्टल में जब रहते थे उस टाइम भी ज़्यादा आते थे। ये तो हमारा सैटरडे संडे का खटी मतलब वो हो रहा था, आएंगे शॉपिंग करेंगे खाना पीना खा के ही जाएंगे। अगर मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे, मेरे हॉस्टल वाले और मेरे रूममेट्स, तो उन लोगों को पता होगा। लुइना मिली एंड तुलसी अगर देख रहे होंगे गाइस, हम लोग यहाँ पे कितने आते थे और देर रात में जाते थे, ऐसे बहुत दूर भी जाना होता था, बहुत पैर दुखता था। अभी देखिए ये तो मुझे बहुत बहुत हो गया, 2-3 साल के नहीं नहीं जब से मैं शादी के बाद से मैं नहीं आई हूँ, शादी के पहले शायद 1-2 बार आई थी। यही है सिर्फ थोड़ी जोर से बॉय निकल उधर जाएंगे। Oh, it's a good day.
मेरे लिट चुका ठीक है बैंगल सुरा मतलब क्लिप ले ले क्लिप दे दे गूगल पे फोन पे पेटीएम गाइस अभी घर पे आके पहुंच गए हैं। ये अभी पार्किंग एरिया हमारा है तो अभी मैं घर पे आके पहुंच गई हूँ। आज के लिए इतना ही है ब्लॉग में, फिर से मुलाकात होगी एक नया वाला और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव और जय जगन्नाथ। आप सबको सेफ एंड सुस्त रखें। बाय बाय।